ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 8.3 में कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसको एक बार फिर सब देखेंगे। इसको पहले इसको हमने फॉर्मूले पूरे ये फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं सबको बताया था। इसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल तो थोड़ा एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पे है साइन थीटा, तो इसके सामने क्या होगा? कॉस थीटा। यहाँ पे है टैन थीटा, इधर क्या होगा? कॉट थीटा। और यहाँ पे क्या है? सेक और सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो, नहीं समझ में आया सर क्या बता रहे हो आप? कुछ अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा का हो गए तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करोगे
अब ये बताइए 90 में हम क्या माइनस करें कि 42 आ जाए, लिखा हुआ है देखना, ये लिखा क्या माइनस करें, तो सर आप कैसे जान गए? अरे यार इन दोनों को प्लस करो ना, कितना हो रहा 90 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 90 माइनस अगर 42 कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 48 आएगी। मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये cos का cos अगर 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है माइनस साइन 42, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया जीरो। समझ में आया? सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया है, tan 48 tan 23, tan 48 tan 23 ये दिया है आपका, माइनस नहीं माइनस है, tan 42 tan 67 tan 42 tan 67 इसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू नहीं इसको प्रूव करना है, 1 है ठीक है। हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, LHS ठीक है। अब देखो ये ऐसा सवाल दिया है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा सर, अब किसको चेंज करें किसको नहीं चेंज करें, तो मैंने आपको ठीक बताया कि दो वैल्यू का समय सर 90 होना चाहिए। तो क्या देखो ये वाला और ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, ये और ये मिलकर क्या हो रहे हैं 90। अब अपने को करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको चेंज करना है एक को, पहले इसको चेंज कर दे, यहाँ पे मैंने कर दिया tan 90 माइनस 42, इसमें क्या कर दिया tan 90 माइनस 67, ये दोनों वैल्यू इन दोनों को लिख दिया मैंने, tan 42 और tan 67। अब देखो tan का क्या होगा, और theta के प्लेस पे क्या है 42, tan tan क्या हो जाएगा cot, theta के प्लेस पे क्या है, और यहाँ पे क्या हो गया tan 42 और tan 67। तो सर अब इसकी हमें क्या करें, समझ नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं क्या करेंगे, cot 42 dot tan 42, 42 42 को एक साथ लिखो, cot 67 cot tan 67। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या था sin cos cos और यहाँ पे था tan और यहाँ पे आपने पढ़ा था sin theta cos theta equal to 1 पढ़ा था, tan theta cot theta equal to 1 पढ़ा था, और cos theta और sec theta equal to क्या पढ़ा था 1 ठीक है, ये पढ़ा था आपने, कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखो cot theta tan theta ये theta है सेम, तो cot theta tan theta की वैल्यू क्या होगी 1, cot theta और tan theta की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मैंने 1 लिख दिया into cot theta, यहाँ पर theta ये है और यहाँ पर theta ये, तो cot theta और tan theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा 1, आप लिख देना hence proof, clear है, समझ में आ गया ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है, इसके बाद जो क्वेश्चन फर्स्ट वाले मैंने छोड़ दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन छोड़ दिया, उसको आपको खुद से करना है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे ठीक है। अरे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है गिवन में, इफ tan 2a क्या दिया है, tan 2a इक्वल टू क्या दिया है, और cot a माइनस cot b, आप समस्या हो गई सर, इधर tan इधर cot अब क्या करें, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot
ए माइनस, अगर ये कॉट 90 माइनस टू ये लिखा है तो क्या हो जाएगा, कॉट का 90 माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन ये हो गया थीटा के प्लस पर टू है। क्लियर है, समझ आया इतना, कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको लिखते भी चलना है, अपने को जो फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि जब बाद में आप रिविजन करोगे तो मैं वहां पे बैठा नहीं रहूंगा, बताऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज किया है, वहां पे आपका नोट जो होगा वो बताएगा यहाँ पे आपने ये काम किया है। ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर फॉर्मूला सही यूज करोगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। क्लियर है, चलिए ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मूला लगा दो जो वहां अलग रहा, कोई लगाओ, नहीं तो आपने बोला सर कि कोई भी फॉर्मूला लगाओ गलत नहीं होगा, मैंने कोई भी लगा दिया, जहां डिमांड होगी, अब भूख लगी है तो तुम पानी पियोगे तो क्या कर ठीक होगा, नहीं होगा कभी, समझा रही। तो आगे क्या करेंगे, देखो इधर भी टेन, इधर भी टेन कट गया, कुल्हार बार कटता है नहीं, इधर डिवाइड होता है तब कटता है, ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा, 90 माइनस टू ए इक्वल टू ए माइनस, क्लियर। अब क्या करो, जहाँ पर टू ए है माइनस टू ए करो उसको इधर लाओ माइनस ए, इधर क्या माइनस 18 और 90 को उधर ले जाओ तो माइनस 90, तो इस साइड क्या होगा 3 ए माइनस, इधर क्या होगा इन दोनों साइड करो कितना हो जाएगा 108 माइनस माइनस दोनों साइड कैसे 3 ए इक्वल टू आ गया 108, ए इक्वल टू क्या हो गया 108 अपॉन 3 95, ए की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आंसर, समझ में आया है ना जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है क्वेश्चन नंबर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा फिफ्थ है, सिमिलर क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है, सुना तो अभी इसके बाद क्वेश्चन सिक्स बता दें, कॉपी कर लो, ये रहा सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन में पहले कह रहा है जैसा क्वेश्चन में पूछने जाएगा आपको उसी तरह सॉल्व करते चलना, क्वेश्चन में गिवन है ट्रिंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्रिंगल ए बी सी दिया है तो आप जल्दी से इसका डायग्राम बना दीजिए, ये लो बना दिया ए बी सी, क्या बना दिया नाम भी लिख दो, ठीक है, और प्रूफ करना हमने को ये, तो आप बताइए ट्रिंगल दिया ए बी सी, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रिंगल बताइए, डी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, क्लियर है, समझ में आया, अब देखना तुम डेट वाले को ध्यान में रखना, इधर बीसी लिखा इधर ए लिखा, हम भी इधर इसी तरह कर रहे हैं, इसमें एक साइड बीसी लिख लें, अब एंगल बी प्लस एंगल सी और ए एंगल को उस साइड ले जाओ क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ध्यान में आया सर इसमें टू का डिवाइड भी है, हम भी कर देंगे, तकलीफ को लिख देना फोर साइड डिवाइडेड बाय टू इन एवं इक्वेशन, एवं इक्वेशन क्लियर है ना, समझ गया, अब जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू, और इस साइड क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए अपॉन टू, समझ में नहीं आया,
अरे यार इसमें टू का डिवीजन किया, इसमें भी टू का डिवीजन कर दिया, तो 80 में 180 में माइनस टू का डिवीजन कर कितना आएगा 19। बहुत अच्छा, अब इधर क्या लिखा साइन, तो हम भी क्या करेंगे 4 साइन मल्टीप्लाई बाय साइन इन एलॉग इक्वेशन एवर इक्वेशन। अब एवर इक्वेशन क्या है, साइन ए प्लस बी अपॉन टू, और इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू, यहाँ पर डी और सी है ठीक ना। बोलो सर समझ नहीं आता है, आप यहाँ पे आप बताओगे 90 माइनस थीटा, हाँ वही बताना मुझे, यहाँ पर लिखना है आप साइन बी प्लस सी अपॉन टू, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अब थीटा के प्लेस में क्या है ए अपॉन टू। बोलो सर खूब हो गया, हाँ यहाँ पर लिखना है इसी साथ ही एक्सरसाइज। इसमें एक और क्वेश्चन और है, उसमें बड़ी वैल्यू दिया है, दोनों में 90 माइनस थीटा करोगे, दोनों में 90 माइनस थीटा करोगे, ये हिंट है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, दोनों में 90 माइनस थीटा करना है, बोथ में 90 माइनस थीटा, अगर थीटा दिया है तो वो 45 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बन जाएगा एक्सरसाइज हो गई द एंड ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए।